सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के द्वारा लोगों को राशि उपलब्ध करा रही है जिससे कि वो अपनी बेहतर जिंदगी जी सकें। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के मरकड़हना गांव में 7 विकलांगों को विकलांग पेंशन न मिलने की वजह से इनकी दैनिक स्थिति काफी खराब है। मेरे सामने एक माता राम रहती है, उनके साथ में एक लड़का है, दोनों विकलांग हैं। उनकी समस्या का समाधान के लिए कई बार हमने भी फोटो काफी करवा के दे चुके। उनका मकान का भी आ गया तो उनने सचिव सरपंच ने ध्यान नहीं दिए। और ये माता राम घर भी उनकी स्थिति ऐसी है गंभीर, तो वो बरसात में भी परेशान होती है। बाजू घर में रोटी बना के खा रहे हैं, तकलीफ बहुत पड़ रही है हमको। आजू बाजू आ रहे देख रहे हैं तो नहीं तो लड़के बच्चे लाठी पकड़ के ले जा रहे हैं, नहीं तो मैं ही जा रही हूँ। बाजू घर में मेरा लड़का भी जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ। आजू बाजू से मेरी सहयोग कर रहे हैं बेचारे। इनका नाम गरीब रेखा में भी है तो 10x10 की मकान बन जाती इनकी दोनों के लिए, तो सुरक्षित ढंग से रहते। और इनका दोनों का पेंशन बनना चाहिए, लड़का का भी और माता राम का भी। मैं आप सभी इस वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूंगा कि आप हमारे तामिया ब्लॉक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनका मोबाइल नंबर 9425002305 में बात कर उन पर दबाव बनाए ताकि मरकड़हना गांव में जो विकलांग लोग हैं इनको पेंशन मिल सके। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले से मैं राजू परतेती, इंडिया अनहर्ट के लिए।